आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान शालिग्राम का जो अभिषेक है वो कैसे करना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं, किस तरह के शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पहली चीज है कि भगवान शालिग्राम का जो अभिषेक है वो कैसे करनी चाहिए, जो पूजन विधि होती है। पहले हम पूजन विधि पे प्रकाश डालेंगे। तो शालिग्राम जो है, शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा आदि करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कि जब खरीद के लेके आते हो तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना, उसमें तो ऑलरेडी भगवान विष्णु है। इसको उत्तरायण में माघ मास के किसी शुभ मुहूर्त में तथा स्थिर लगन में घर अथवा देवालय में स्थापित करना चाहिए। शालिग्राम को किसी स्वच्छ पात्र में स्थापित करके गंगाजल तथा पंचामृत से स्नान कराकर तुलसी पत्र तथा चंदन धूप दीप फल नवेद दक्षिणा आदि से यथाशक्ति पूजन करके घर के पूजा स्थल में किसी स्वच्छ पात्र में स्थापित करें। नित्य जलाभिषेक और तुलसी पत्र और चंदन से पूजा करें। विशेष शुभ प्राप्ति के लिए आप मंत्र वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपके पास ऑप्शन है दो मंत्रों का। अभी शालिग्राम जो है, अब अभिषेक कैसे करना है। एक तांबे की कटोरी या प्लेट में तुलसी रखकर उस पर शालिग्राम को रख दें, फिर शंख में जल भरकर घंटी बजाते हुए श्री वैष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय या फिर पुरुषोक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान शालिग्राम के अभिषेक किया जाता है। यदि स्नान कराने वाले जल में इत्र और सफेद चंदन मिला ले तो फिर बहुत अच्छी बात है। शालिग्राम जल के स्नान का जल शालग्राम शिलोदक या अष्टांग कहलाता है। शालग्राम शिलोदक को यदि श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जाए तो मनुष्य को कोई रोग नहीं होता है और जन्म मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। शालग्राम शिलोदक के पीने से अकाल मृत्यु और अपमृत्यु का भी नाश हो जाता है और शालग्राम शिलोदक को अपने ऊपर छिड़कने से तीर्थ में स्नान का फल प्राप्त होता है। यह फायदा है। मरणासन व्यक्ति के मुख में यदि शालग्राम का जल डाल दिया जाए तो भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है, आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं, पुनः जन्म नहीं होता है। अभी इसके फायदे हम आपको बताएंगे। देखिए, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। आपको वृंदा नामक सती स्त्री की कहानी के हिसाब से ही आज शालग्राम है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसकी बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं, विभिन्न रूप होते हैं उसके, वो मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि किस रूप की पूजा करने से क्या होता है। वो लगभग 80 से लेकर 124 तक बताई गई है। शालिग्राम को एक विलक्षण और मूल्यवान पत्थर माना गया है और इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि शालिग्राम के भीतर अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है, इसे प्राप्त करने के लिए चोर इन्हें चुरा लेते हैं। भगवान शालिग्राम की पूजन जो है वो तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होता है और तुलसी अर्पित करने पर वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तो चलो मैं विधि बता रहा हूं, इसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड अध्याय में उल्लेख है कि जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहां भगवान विष्णु के साथ भगवान लक्ष्मी भी निवास करती है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि शालिग्राम शिला का जल जो अपने ऊपर छिड़कता है वो समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थ में स्नान के समान फल पा लेता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करता है वो संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है।
मृत्यु काल में इनके चरणामृत का जलपान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक चला जाता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें वास्तुदोष और बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। पुराणों के अनुसार आप देखेंगे तो श्री शालिग्राम जी का तुलसी दल युक्त चरणामृत पीने से भयंकर विष का भी तुरंत नाश हो जाता है। ये बेनिफिट्स हैं। अब जो सबसे बेस्ट जो है वो काली और चिकनी जो शालिग्राम होती है वो सबसे उत्तम मानी गई है। यदि शिला की कालीमा कुछ कम हो तो मध्यम श्रेणी की होती है। यदि उसमें दूसरा रंग भी मिला हो तो मिश्रित फल देने वाली होती है। शालिग्राम के स्पर्श करने मात्र से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यदि उसका पूजन किया जाए तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या है। चारों वेदों को पढ़ने और तपस्या से जो पुण्य होता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना से प्राप्त होता है। जिस घर में शालिग्राम विराजते हैं वहां कोई अशुभ दृष्टि या अशुभ प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता है, असंभव चीज है। सभी शालिग्राम शिलाएं सुख देने वाली होती हैं, क्योंकि जहां शालिग्राम शिला रहती है वहां भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी का साथ सभी तीर्थ सदैव निवास करते हैं। मनुष्य के बहुत से जन्मों के पुण्य से यदि कभी गोष्पद चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसके पूजन से पुनः जन्म नहीं होता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अभी इसमें कुछ चीजें हैं कि आपको किस तरह की जो शिला है उसकी पूजा नहीं करना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं। शूल जो होता है, शूल के समान नुकीले शालग्राम की पूजा मृत्युकारक होती है। टेढ़े मुख वाले शालग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे गरीबी आती है। जो खंडित हो, खंडित चक्र वाले शालग्राम की पूजा से मनुष्य रोगी बनता है। जो शालग्राम फटा हुआ हो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मतलब मृत्यु का कारक है वो। और पिंगल वर्ण के शालग्राम की पूजा अनिष्ट होता है, अतः इन सब की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया शालग्राम के बारे में। शालग्राम का अभिषेक कैसे किया जाता है वो हमने आपको बताया। अगले वीडियो में आपको बताएंगे किसी वीडियो में कि शालग्राम कितने तरह की होती है और किसकी उपासना से क्या फल प्राप्त होता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।